हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फिर से हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा को लेकर। और ये हमारी इंग्लिश की जो क्लास है वो क्लास नंबर 13 है, जो कि आपके पूरी तरह से न्यू पैटर्न यानी कि जो एग्ज़ाम में अब पैटर्न चल रहा है, लास्ट के जो दो दिन एग्ज़ाम हुए हैं बिल्कुल उसी पर आधारित है। और जिनको 17 और 18 नवंबर को एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और हरियाणा पुलिस वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अब 10 नंबर की आ रही है और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप इन क्वेश्चन के पहले अपने आप आंसर देने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके, और बाद में मेरे आंसर से मैच करना कि आप कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है वो है द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। आपके सामने ऑप्शन चारों स्क्रीन पे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं इनको सॉल्व करने का तरीका कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको मीनिंग पता लगा के सॉल्व करने होते हैं। तो ये मीनिंग पता लगा कर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसका मीनिंग देखिए क्या बन रहा है कि जो द स्टैचू यानी कि जो स्टैचू है वो ग्लोबल फ्रीडम के सिंबल है, यानी कि जो स्टैचू है वो वैश्विक स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो स्टैंड एज आएगा, ठीक है, स्वतंत्रता की तरह खड़ा है कि द स्टैचू स्टैंड एज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल यू प्लीज डैश मी अ बुक। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, पहले आपके देखो हैव टू लैंड और हैव टू बोरो, ये दोनों आपके रॉन्ग हैं। सिंपल सा है कि विल यू प्लीज लैंड मी ए बुक, क्या आप मुझे एक बुक उधार देंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी लैंड। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ऐड किया क्योंकि ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया है और MPSI में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है माई कज़न विल अराइव डैश संडे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हरियाणा SSC में पूछा जा चुका है अभी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो संडे है हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, इसकी जगह आपके सामने इन एट फोर और ओन। आप लोग क्या करते हैं मुझे पता है कि आप लोग ऐसे मीनिंग बना के देखेंगे, माई कज़न विल अराइव एट संडे, जोन सा परफेक्ट लगेगा आप उसको टिक कराएंगे और वो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता एग्ज़ाम देते हुए। तो आप ऐसे सोल्व मत करना। देखिए, संडे जो है वो एक तरह से फिक्स जगह बता रहा है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ऑन संडे होता है हमेशा, ऑन मंडे करते हैं, ऑन ट्यूसडे, कभी भी ऐसी डेट आ जाए यानी दिवस आ जाए, फिक्स दिवस अगर कोई दे दे तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। बस इतना याद रखना है कि कभी भी कोई दिवस अगर फिक्स हो डे, जैसे ऑन संडे है तो ऑन संडे आएगा, मंडे है तो ऑन मंडे, ट्यूसडे है तो ऑन ट्यूसडे, ठीक है, आपका ऑन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द बॉयज वेंट इनसाइड डैश रूम। द बॉयज वेंट इनसाइड डैश रूम, ऑफ द रूम, ठीक है, टू द रूम, ऑफ या फिर द। देखिए, सिंपल है कि जो लड़के हैं वो रूम में चले गए हैं यानी कि जा चुके हैं, वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल सेंटेंस बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन सी आएगा, द बॉयज वेंट इनसाइड द रूम। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईडियम से है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ रहा है। वर्ड है आपके पास कैरी वेट, इसका आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास टू कैरी बर्डन, कैरी द डे, बी इम्पॉर्टेंट और कैरी थ्रो। अब देखिए, कैरी वेट का मतलब पता क्या है इसकी, अगर हम हिंदी बनाएंगे अच्छे से तो इसका मतलब होता है जिम्मेवारी लेना, ठीक है, जिम्मेवारी लेना, कैरी वेट। ओके, अब देखिए, जिम्मेवारी हम किसकी लेंगे, इट्स राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी कि हम उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। हमारा राइट मीनिंग जो है एकदम सी के साथ जाएगा, बी इम्पोर्टेंट के साथ, क्योंकि देखिए टू कैरी बर्डन तो वही हो गया कि वेट उठाना, तो ये हमारा जो देखिए कैरी थ्रो, कैरी द डे, तो कैरी द डे तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। कैरी वेट मतलब कि किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेना यानी कि कोई चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है डाई हार्ड, ये भी आपका ईडियम से ही है डाई हार्ड। अब डाई हार्ड का मतलब देखिए क्या होता है, ये थोड़े से टफ ईडियम्स हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप टफ ही आ रहे हैं, इजी नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, डाई हार्ड का मतलब होता है जिसको आसानी से बदला न जा सके, ठीक है, वो होता है हमारा डाई हार्ड। यानी थोड़ा सा मीनिंग भी आप बना सकते हैं, यानी डाई मतलब मरना होता है, हार्ड मतलब कठिन होता है। आप कुछ मीनिंग बना के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी इसका जो मीनिंग होता है जिसको आसानी से बदला ना जा सके। तो राइट आंसर हमारा किस पे चला जाएगा, ऑप्शन ए, अनविलिंग टू चेंज। ओके,
राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी इज लविंग कोलगेट चॉकलेट आइसक्रीम। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है, हैज लविंग आएगा, लव्स आएगा, हैज बिन लविंग आएगा या नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपका रूल के ऊपर डिपेंड है। ये सेंटेंस आपका जो बन रहा है वो बन रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, शी डैश लविंग आइसक्रीम, या फिर नो इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है, बट इसके इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, शी इज लविंग नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, यानी कि उसको चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद है, लविंग नहीं आएगा। लविंग का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा कि इसको चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद हो रही है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। हैज़ लविंग भी नहीं बनेगा, हैज़ बीन लविंग तो और भी ज़्यादा डीपली हो गया प्रेजेंट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कंट्री। ऑप्शन देखिए, जो डिक्लेयर्ड है इसके जगह आपको बताना है कि कुछ चेंजेस होगा या फिर नहीं होगा। ऑप्शन है प्रपोज्ड, डिक्रीड, ऑर्डर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। अब नो इम्प्रूवमेंट आंसर क्यों होगा, कि देखिए द डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्टर होता है वो इमरजेंसी हमेशा डिक्लेयर्ड करता है, ठीक है, प्रपोज नहीं करेगा इमरजेंसी को और ऑर्डर भी नहीं देगा इमरजेंसी के लिए, क्योंकि वो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड करता है, यानी कि इमरजेंसी को वो घोषित करता है कि अब इमरजेंसी लागू हो चुकी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाएगा, डिक्लेयर्ड बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द रोंगली स्पेल्ट। ये आपके जो क्वेश्चन है इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। देखिएगा इसमें आपको बताना है कि जो गलत है वो पहले आपको यहाँ भी पढ़ना है कि करेक्ट स्पेलिंग पूछा है या फिर रॉन्ग स्पेलिंग पूछा है, इसमें क्या चूज करना है, तो यहाँ पर बताना है जो गलत है वो। अब देखिए टेलीपैथी जो है वो बिल्कुल ही हमारी राइट स्पेलिंग है, ठीक है, सिंपैथी भी हमारी राइट स्पेलिंग है जिसको बोलते हैं सहानुभूति देना, अपैथी भी हमारी देखिए बिल्कुल राइट है, पर जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, एंटीपैथी हमारी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। इसमें क्या आएगा, ए एन टी आई, आई आएगा यहाँ पर ई की जगह, एंटीपैथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी कॉमन है, इससे ही है, रॉन्ग स्पेल्ड से ही है, एयरनेस्ट, इनफेस्ट, डिटेस्ट और अगेंस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा कुछ आपको सही दिख रहा होगा, आपको जो अगेंस्ट है वो आप में गड़बड़ लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा, ये अगेनिस्ट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ए जी ए आई एन एस टी होता है, ओके, न कि एन आई एस टी, तो हमारा यही गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, धन्यवाद दोस्तों।